सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को तो मिलेगा और काफी मजा आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो मुझे ये बताइए कि जब हम नाम लेते हैं तब भी प्रॉब्लम है, नाम नहीं लेते तब भी आपको लग रहा है कि क्यों नाम नहीं लिया। तो आपको, आप तो खुद कहते हैं कि जी कश्मीर को छोड़िए और आगे बढ़िए, तो फिर आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आरजू जी, मैंने कभी नहीं बोला कश्मीर को छोड़िए आगे बढ़िए। मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करे, और मैं ऑन रिकॉर्ड पहले आपकी शो में भी बोल चुका हूं कि पाकिस्तान जितना कश्मीर करेगा, जितने इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर रेज करेगा, भारत का उतना भला है। मैं 2 मिनट में समझा देता हूं ऐसा क्यों है। आरजू जी, बात यह है कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जाए, पाकिस्तान एससीओ में जाए, पाकिस्तान कहीं पर भी जाए, जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करता है, तो उस वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा होता। मैं तो चाहता हूं, मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप कश्मीर को छोड़िए। मैं सिर्फ एक 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 सलाह के तौर पे मैंने बोला कि अगर मैं पाकिस्तानी होता तो मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता, मैं कश्मीर पर फोकस नहीं करता, मैं एजुकेशन, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस करता। ये मैंने आपके शो में एक बार बहुत पहले बोला था। लेकिन मैं एज एन इंडियन, वो तो मैं अपने आप को उन शूज में डाल के उस लहजे से बोल रहा था, तरीके से बोल रहा था। लेकिन अगर एज एन इंडियन मैं चाहूं, मैं तो चाहता हूं कि आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आपके शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सिर्फ कश्मीर की बात करें, ये कहीं पर भी जाएं, ये सिर्फ कश्मीर की बात करें और कश्मीर की ही बात करते चले जाएं। क्योंकि जितना ये कश्मीर की बात करेंगे उतना ये पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान में फ्लड्स आ रखे हैं, मासूम लोगों की जानें चली गई हैं, करेंसी आपकी क्रैश हो रही है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हैं। इसमें पाकिस्तान को कायदे से क्या चाहिए करना? लॉजिकली पाकिस्तान को चाहिए कि भाई दुनिया को इकट्ठा करे, आलम इस्लाम को इकट्ठा करे, जिसका वो कहता है कि वी आर दी ओनली न्यूक्लियर बॉम्ब, इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है दुनिया में, इन सब लोगों को इकट्ठा करे कि किस तरीके से पाकिस्तान को रीबिल्ड करा जाए। उसमें फोकस इनका 10% है, इनका फोकस कश्मीर है कि किस तरीके से कश्मीर के इश्यू को आगे बढ़ाया जाए। तो अब देखिए, कश्मीर का नाम लेके ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आप ये देखें, क्योंकि वहां पे टाइम तो उतना होता है ना, लिमिटेड होता है अर्जु जी। आप जब भी किसी फोरम में जाएंगे आप 5 घंटे थोड़ा ना बात करेंगे, आपके वही 19-20 मिनट होते हैं। उस 19-20 मिनट में अगर ये 15 मिनट कश्मीर को दे दें तो हमारा मामला सॉल्व हो जाता है, हमारा मैटर सॉल्व हो जाता है। और इनको भी पता है, ये जो पाकिस्तानी बड़े बड़े टेलीविजन एंकर्स बोलते हैं कि जी कश्मीर का नाम ले लिया, कश्मीर, ये भी झूठ बोलते हैं आवाम से, बड़े बड़े आपके टेलीविजन एंकर सब झूठ, सब फ्रॉड, 420। क्यों आप कश्मीर का नाम ले लीजिए, दुनिया को फर्क पड़ रहा है? किसको फर्क पड़ा है 75 साल में? आप ये बता दीजिए कि इस कंट्री को फर्क पड़ा है कश्मीर का नाम लेके, एक कंट्री बता दीजिए जिसको फर्क पड़ा है 75 साल में। और 75 साल से वही चीज करते हैं, हम तो चाहते हैं और 75 साल आप करें। आई विश बिलावल भुट्टो जरदारी ऑल द बेस्ट। लेकिन आपने तो ये कहा था कि 5-10 साल जो है वो पाकिस्तान कश्मीर का नाम ना ले, बाद में करता रहे कश्मीर कश्मीर, पहले इकोनॉमी देख ले, हमारे जो हालात इस वक्त खराब है उनको देख ले। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही थी कि आपने जैसे कहा कि थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो ये कहा था, क्योंकि भाई जब आपके बैंक बैलेंस होगा, आपकी जेब में पैसे होंगे, आपकी दुनिया में इज्जत होगी, उस वक्त अगर आप कश्मीर कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आज की तारीख में कशकोल लेके अगर बिलावल भुट्टो जरदारी या शहबाज शरीफ साहब कशकोल लेकर जाए, इमरान खान कशकोल लेकर जाए और फिर बोले कश्मीर, तो लोग कहेंगे यार सुनो, हम एक तो तुम्हें पैसे दें, ऊपर से कश्मीर के बारे में बकवास भी सुने, यार दोनों चीजें नहीं हो सकती। यू सी, तो आज की तारीख में इंडिया के लोग क्यों सुनते हैं? क्योंकि इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल है और इकोनॉमिकली भी स्टेबल है, वाइब्रेंट है इकोनॉमिकली, तो लोग सुनते हैं। ये तो सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है। बिल्कुल। साथ ही इंग्लैंड की जो क्वीन थी उनकी अभी जैसे डेथ हुई और आज सारा कुछ सब कंट्रीज के लोग वहां पर गए हुए हैं, लेकिन भारत की तरफ से बजाय अफसोस करने के ये देखने में आ रहा है कि आप अपना कोहिनूर वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जी वो कोहिनूर चुरा के ले गए थे और वो वापस दिया जाए। वो न्यूज जो है बहुत ज्यादा उस पर चल रही है गूगल पे, इस तरह का बिहेवियर क्यों है? नहीं, ये हमारी सरकार का ये नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नहीं बोला कि कोहिनूर वापस का मुहिम तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं बोला। हमारी तो राष्ट्रपति वहां पे गई हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी वहां पे गई हैं संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, कंडोलेंसेस देने के लिए, शी इज इन लंडन एंड जहां पे भी द क्वीन इज लाइंग इन स्टेट वहां पे गई हैं, यूके में और विच एवर सिटी, आई एम नॉट श्योर कहां पे हैं, बट
वहां पे शी इज गॉन। तो ये देखिए, सोशल मीडिया पे लोग 10 चीजें कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ, आप सिर्फ देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले उसके बारे में तो हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर एक्स वाई जेड किसी ने कहीं किसी के गांव कस्बे में किसी ने अगर सुरसुरी छोड़ दी सोशल मीडिया पे, तो उसके बारे में क्या कमेंट करना है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अभी आगे भी एक 23rd को जो है एक मीटिंग और होने जा रही है, वो जैसे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, आपको क्या ख्याल है कि वहां जाकर शहबाज शरीफ साहब क्या बात करेंगे, उन्होंने बात वही कश्मीर कर लिया करेंगे? तो है ही नहीं कुछ उसके बाद टॉपिक, आप बताइए। देखिए ना, बात यह है कि शहबाज शरीफ इज एन इंटेलिजेंट मैन, शहबाज शरीफ एक अकलमंद आदमी है, और शहबाज शरीफ के पास 10 और टॉपिक हैं। इधर एससीओ में उनको लिहाज करना पड़ा, क्योंकि चाइना का एससीओ जो है वो पूरा मामला चाइनीज है, और चाइनीज ने डिसंगेजमेंट करी थी PP-15 में या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, जो डिसंगेज करे थे ट्रूप्स, इंडियन आर्मी ने भी डिसंगेज करे थे, वो इसीलिए करे थे क्योंकि वो चाह रहे थे कि प्रॉपर समिट हो जाए। चाइना अब इंडिया को छेड़ने के मूड में नहीं है, थोड़ा बहुत करता रहेगा लेकिन पाकिस्तान के थ्रू छेड़ने के मूड इस वक्त में नहीं है चाइना, क्योंकि चाइना खुद बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। तो ये इनको तो एससीओ में इन्होंने कश्मीर के बारे में बात नहीं करी, लेकिन यूएन जनरल असेंबली पे जरूर है कश्मीर। इनके पास देखिए ना अर्जुन जी, इनके पास कोई चॉइस नहीं है और कोई टॉपिक नहीं है, किसके बारे में बात करेंगे? थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि बाढ़ आ गई है, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो उन्होंने बोलना ही बोलना है क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। दूसरी चीज, दे विल टॉक अबाउट कश्मीर, दे विल, इनकी मजबूरी है, और यही मजबूरी भारत को बहुत फायदा दे चुकी है, क्योंकि कश्मीर पॉलिसी, एक तो पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है नहीं, दूसरी चीज है कि ये समझते हैं कि बयान देके इनकी जिम्मेदारी कश्मीर पर खत्म हो जाती है। आप समझ रहे मेरी बात? इन्होंने बयान दे दिया, ये जाएंगे बयान दागेंगे, दुनिया देखेगी नहीं, दुनिया इग्नोर करेगी, पाकिस्तान में हेडलाइन में हो जाएगा ही वेरी स्ट्रॉन्गली रेजेस द कश्मीर इश्यू, सारे पाकिस्तानी खुश हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। 75 साल में स्ट्रॉन्गली रेजिंग द कश्मीर इश्यू 1500 बार हो चुका है, और कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें 3 बार जाके पाकिस्तानियों ने ना बोल दिया हो कि कश्मीर हमारा है। अभी तक 1 इंच जमीन मिली तो हम, इनका तरीका ही गलत है। इनका जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिश या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसका तरीका, उनको कश्मीर का कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जब हम वापस आए मुल्क में तो हमारा लोग खून ना पिए कि साहब आपने कश्मीर का मुद्दा रेज नहीं करा। तो ये जिसको कहते हैं ना एज अ फॉर्मेलिटी, ये हाथ धोने के लिए कश्मीर बोल देते हैं एक बार कि कश्मीर का, देखिए कश्मीर में ये हो रहा है, बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, और जो इंडियन आर्मी है वो गड़बड़ कर रही है, और फलाना इंडियन गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इनके हुकूक छीन लिए, और ये सब, ये अपना एक सेट स्क्रिप्ट है। यही स्क्रिप्ट ये 1956 में बोल रहे थे, ठीक है, 1976 में भी यही स्क्रिप्ट बोली है, 1996 में भी यही स्क्रिप्ट बोली, 2006 में भी, इनका, इनकी स्क्रिप्ट नहीं बदली है, इट इज द सेम एग्जैक्ट स्क्रिप्ट, एक्सेप्ट इसमें 370 से जोड़ गया, कुछ नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो भी यही बोलता था, एग्जैक्टली द सेम, उसकी बेटी ने भी वही बोला। अब उसका जो पोत, उसका पोता है जुल्फिकार का, या जो नाती है उसका, जो भी है, अब वो जाके भी बिलावल नवासा वही बोलेगा वहां पर जाके, जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में बोला था, सेम उसका नवासा जो है वहीं पे जाके वही चीज तो बोलेगा। 3 जनरेशन से यही बात बोल रहे हैं, मगर बात तो आप लोग भी कश्मीर की करते हैं, जो पाकिस्तान के पास जो हिस्सा है वो तो बार बार आपके यहाँ से भी कहा जाता है कि हम ले लेंगे गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे, और हम ये आजाद कश्मीर भी ले लेंगे, और 1 इंच तो अभी तक भारत भी नहीं ले पाया, कहा यह जाता है यहाँ पे। आरजू जी, ऐसा है, किसी ने नहीं बोला भारत से, ये जब इंडिया में बातें होती है ना, इंडिया में तो किसी मंत्री ने अपना कमेंट दिया, आपने कभी देखा है हमने कभी बोला हो किसी वर्ल्ड बॉडी में जाके यूनाइटेड नेशंस में हमने बोला हो कि हम कश्मीर ले लेंगे? जिसको करना है उसको बोलना क्यों है? क्यों बोलना है उसको? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि मोदी जी कब गए हो और कब जाके यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और मुल्क पे जाके उन्होंने ये बोला हो कि हम कश्मीर वापस ले लेंगे, आप एक स्पीच बता दीजिए किसी की। नहीं, मैं टीवी टॉक शोज की बात कर रही हूं। अरे टीवी टॉक शोज, तो टीवी टॉक शोज को आप कहां टीवी टॉक शोज पे थोड़ा, वी आर टॉकिंग पॉलिसी। ओके, टीवी टॉक, देखिए टीवी टॉक शोज पे क्या होता है कि टीवी टॉक शोज पे लोगों के ज्यादती बयान होते हैं, और उन लोगों के बयान होते हैं जिनका कोई अथॉरिटी नहीं है, वो अपने एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो अपने यू नो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपना बयान दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तानी टॉक शोज में अपने बयान देते हैं,
हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते, हम तो मुल्क की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। अगर कोई इंडियन मिनिस्टर या कोई इंडियन उसने जाके किसी फॉरेन कैपिटल में जाके ये बोला हो कि हम कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और हम कश्मीर हासिल कर लेंगे, नहीं, हमने आज तक नहीं बोला, वी हैव नॉट सेड इट। आपकी साइड जो कश्मीर है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनको के अरेस्ट किया गया, उस पर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट भी किया है, वो क्या बात है? मैंने कुछ नहीं, ये हुर्रियत वाले हैं, ये मौलवी साहिबान है तो डंडे वंडे पड़े उनको अंदर कर दिया, अब ठीक हो जाएंगे, यही है बस उसमें। ये बीच बीच में इनका, इनको मोहब्बत चढ़ती है, ये अपना परवान चढ़ती है इनकी कि ये बातचीत करें जरा बीच में, आजादी आजादी, तो फिर पुलिस ने टाइट कर दिया, तो अब ठीक, अब ये 8-10 महीने नहीं बोलेंगे, फिर पुलिस के डंडे खाएंगे, फिर जान, कुछ नहीं है, स्मॉल थिंग। अब तो आप लोग काफी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं कश्मीर में, और उसमें एक मेरे ख्याल है सहनवाज वगैरह भी ओपन हो रहे हैं और सब कुछ, तो ये भी क्या मेजर साहब आपके ख्याल से कि दुनिया को एक मैसेज देने के लिए है कि आप वहां पे बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहां पे लोग खुश हैं या लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? जो कुछ टाइम पहले तक कहा जाता था कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, इस किस्म की जो स्टोरीज चल रही थी, क्या अब उससे हटने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? आज ये स्टोरीज फ्रॉड हैं, ये भारत के पास इतने फौजी नहीं है कि हर घर के बाहर एक फौजी खड़ा कर दे, ये दिस इज ऑल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। वो कहते हैं कि डॉन न्यूज में आया कि 1 मिलियन सोल्जर्स इन कश्मीर, टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 12 लाख हमने पूरा हिंदुस्तान खाली करके, ये इतना साहब बिलांद भर का कश्मीर, उसके अंदर हमने 10 लाख लोग डाल दिए। ये बातें ऐसी करते हैं ना कि अब इसका कोई भारत ना जवाब भी नहीं देता, क्योंकि इसका कोई जवाब बनता ही नहीं है, इसका कोई जवाब बनता नहीं है। आप अगर ये बोलते हैं भारत में मंगलवार को बुधवार बोलते हैं, मैं इसका क्या जवाब दे दूंगा आपको, और आप क्या जवाब सुन लेंगे, ये तो अजीब सी बात है। अब कर देते हैं पाकिस्तानी, क्या करें। देखिए बात ये है कि कश्मीरी सोसाइटी हैज सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द टेररिज्म, उधर बड़ा स्ट्रेस हुआ है, तो उसको एक नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है, लोग जाते हैं फिल्में देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, अपना वहां पे प्ले ग्राउंड की एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे खेलते हैं, ये एक नॉर्मल सोसाइटी में होता है। अब वहां पे इस्लाम के नाम पे हार्ड लाइनर्स ने सिनेमा हॉल बंद करवा दिए, सारे कश्मीरी जम्मू जाके और दिल्ली जाके फिल्म भी देखते हैं, और मेरे खुद कश्मीरी मुस्लिम दोस्त हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो 2-4 लोगों को मैं जानता हूं जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, यहां पे आके शराब भी पीते हैं वो, क्योंकि हराम है तो छुप 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 के क्यों, खुल के पियो यार, अपने घर में पियो, हमें पिलाओ, वो नहीं करते, वो छुप छुप के पीते, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और वहां पे सिनेमा हॉल्स खोले हैं, हर जगह जाइए, फिल्में देखिए, फिल्में देखिए, रिलैक्स करिए। देखिए बात यह है ना कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कश्मीर में आजू जी ड्रग्स हैं, बहुत ड्रग्स की बड़ी प्रॉब्लम है ना, ड्रग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ड्रग्स को बुरा तो मानते हैं, ड्रग्स को बुरा तो मानते हैं, नो डाउट सोशल स्टिग्मा जरूर है ड्रग्स का, लेकिन लेकिन जो रिलीजियस स्टिग्मा अल्कोहल को लेकर और ड्रग्स को लेकर नहीं है, यानी कि शराब को ज्यादा बुरा माना जाता है और जो कोकेन है उसको भी बुरा माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप नीचे, क्योंकि कुरान शरीफ में शराब को हराम करा गया, कोकेन को हराम थोड़ा ना बोला है, तो रिलीजियसली लोग अपने आप को समझा लेते हैं, तो ये गलत है। मुझे लगता है कि कुछ नहीं होना चाहिए, और आराम से देखिए, कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बुरी बात है, ठीक है, आप पीपल शुड बी गिवन द लिबर्टी टू डू व्हाटएवर दे वांट। अगर आपका मजहब ये कहता है आप शराब मत पीजिए, तो मत पीजिए, आप मत पीजिए ना, आप दुनिया भर के लिए क्यों ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो शराब पिएगा हम उसको मार डालेंगे, ये सब क्यों करना है, आप मत पीजिए ना, आपका ईमान पक्का है, आप सच्चे मुसलमान हैं, आप मत पीजिए। दूसरे का अब उसका, आपका जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या बोला था पब्लिक स्पीच में, ये लोग कहते हैं मैं शराब पीता हूं, कम से कम लोगों का खून तो नहीं पीता, आपने बड़ी फेमस स्पीच है उसकी जुल्फिकार अली भुट्टो की, जहां पे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं शराब पीता हूं, मैं खून थोड़ा ना पीता हूं लोगों का। सो ये चीजें हैं, लोग दे हैव डबल स्टैंडर्ड। सिनेमा हॉल खुल गया कश्मीर में, अच्छी बात है, जाएं लोग फिल्में देखें, मजे करें, परिवार के साथ जाएं पूरा, दे शुड वॉच फिल्म्स। नहीं बिल्कुल, खैर वो हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा पीते ही मौलवी हैं, जो बाद में ये भाषण भी देते हैं कि ये हराम है, सबसे ज्यादा वो बल्कि टीवी पर भी आ जाते हैं बहुत बार, तो वो तो एक अलग अलग। एक वो आपके, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ, एक वो आपके वो मोटे से मौलाना साहब पे पहुंचे थे, वो मौलाना ताहिर अशरफी, ताहिर अशरफी, उनको मौलाना टुन भी कहा जाता था आई थिंक, मौलाना टुन, तो मौलाना टुन बिल्कुल, वो मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, अशरफी साहब बिल्कुल टाइट रहते थे, बिल्कुल टाइट उनका पता, वो अभी शायद उन्होंने वजन वजन कम कर लिया, आई थिंक ही इज रिड्यूस्ड इन वेट, बट हाँ, तो ये बड़े बड़े शौकीन है पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, मौलाना साहब को लगा लेनी चाहिए कभी कभी।
इट्स गुड। वो तो हर जमाने में, कई मौलवी हमारे यहाँ मशहूर है, मौलाना और कौसर नियाजी थे, उनको भी यही कहा जाता था, मेरे ख्याल भुट्टो साहब के जमाने में थे, तो वो तो मौलवी हो और ना पिए ऐसा तो खैर कम ही देखा है। मगर साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कहा ये जाता है, चाहे हथियार हो चाहे ड्रग्स हो, पाकिस्तान में यही कहा जाता है कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, ये सब चीजें तो हमारे पास अफगानिस्तान से आती हैं। लेकिन जब भारत में इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है ड्रग्स को लेकर या हथियार को लेकर या कोई इस किस्म की, तो आप लोग कहते हैं जी पाकिस्तान से आया है, तो पाकिस्तान तो कहते हैं हम तो खुद विक्टिम है और अफगानिस्तान से सब कुछ है। आरजू जी, आप अगर इस वक्त एक खास शहर में हैं पाकिस्तान में, आप जाइए 2 घंटे के लिए बाहर और फिर आप बताइएगा आपको कितने हथियार दिखे। और मैं यहां पे नोएडा से निकलता हूं और मुझे कितने हथियार निकले, आपको फिर भी दिख जाएंगे, हमें नहीं दिखेंगे हथियार। पाकिस्तान इज अ हाईली वेपनाइज्ड सोसाइटी। पाकिस्तान में हथियार हैं, पाकिस्तान में बहुत पहले से हथियार रहे थे, और पाकिस्तान में ट्राइबल एरियाज में बिना लाइसेंस के ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। पाकिस्तान में अलाउड है, आप AK-47 का लाइसेंस ले सकते हैं पाकिस्तान में, और बिना लाइसेंस के भी लोग रखते हैं आपके बलूचिस्तान के अंदर या और जगह ट्राइबल एरियाज में। रॉकेट लॉन्चर्स लोगों के पास पड़े हुए हैं घरों में, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पड़ी हुई हैं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई नहीं, मार दिया उठा के किसी को। तो ये ऐसी बात नहीं, यहाँ पे तो है मामला वेपनाइज्ड, आपका बहुत ज्यादा वेपनाइज्ड मामला है आपका सोसाइटी में ना। अगर आपको पीस चाहिए पाकिस्तान में, तो आरजू जी आपको सबसे पहले हथियार लेने पड़ेंगे। सबसे ओनली द स्टेट शुड हैव वेपन्स, और रेयर केस में किसी को आपने वेपन दे दिया तो दे दिया, वरना पीपल शुड नॉट हैव वेपन्स। ये गलत है बहुत ज्यादा, इससे इससे कुछ नहीं होगा, इससे परेशानी ही होगी आरजू जी, इससे परेशानी ही होगी आपके स्टेट में। अभी जैसे स्वात का इलाका है पाकिस्तान में, आप जानते होंगे वहां पे बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं टेररिज्म के, आपके ख्याल से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ऑलमोस्ट 193